A very good morning to all of you. Today we are going to continue with our chapter Parties and Party Systems in India. In the earlier lecture, I have discussed about the composition and meaning of the political parties and their functions. Today's topic is Congress system. There was a Congress dominating government in India. Congress dominance was there. In the first three Lok Sabha elections that started from 52 to 67, means 52 to 57, first general elections, 57 to 62, second, and the third from 1962 to 67. In the first three Lok Sabha elections, Congress system was known. This period from 52 to 67 is known as Congress system. Why it was called Congress system? Because Congress was ruling at the center and in most of the states. Ruling with majority, there was a full majority of Congress and only small opposition was there, and Congress was in dominance, and actually Congress was having 3/4 majority. It was able to, Congress party was able to win over 3/4 of the majority. Criticism was there in between the party, but that party was healthy criticisms. There was moral and ethical politics was there. ये नहीं कि अगर राम मनोहर लोहिया पंडित नेहरू के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ते हैं तो वो उनके खिलाफ गलत शब्दावली बैड लैंग्वेज का यूज़ करेंगे. इट वॉज नेवर देयर. देर वर मॉरल एथिक्स वॉज देयर. एथिकल पॉलिटिक्स दैट वॉज फुल ऑफ मॉरल वैल्यूज वॉज देयर. देर वॉज रिस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड criticism was there. ऐसा नहीं कि बीच में criticism नहीं था, but there was healthy criticism and they were ready to listen to the criticisms of other leaders also. So its symbol was a pair of ox at that time, in that era from 1952 to 67. A pair of ox was the symbol of the political parties. So let us see the results. First general elections के results थे. उसने किसी को surprise नहीं किया क्योंकि पहले से इंडियन नेशनल मूवमेंट में भी कांग्रेस का ही बोलबाला था. कांग्रेस वॉन अबाउट 364 सीट्स आफ्टर 489, मींस 3/4 मेजॉरिटी से कांग्रेस जीती. बेशक नंबर ऑफ वोट्स कम थे, लेकिन इट वाज एबल टू विन अबाउट 364 सीट्स आफ्टर 489 लोकसभा सीट्स. पंडित नेहरू, सरदार पटेल, ऑल दोज वर द कॉमन फेसेस इन द नेशनल मूवमेंट एंड दे वर द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी. एंड आफ्टर दैट इन सेकेंड पोजिशन देयर केम द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. दैट वॉज एबल टू विन ओनली 16 सीट्स. सेकेंड नंबर पर जो पार्टी थी वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया आती है. और द स्टेट इलेक्शंस वर आल्सो हेल्ड. लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस के लिए भी वोट्स डाली गई थी. कांग्रेस वॉन इन मेनी ऑफ द स्टेट्स. इट वॉन मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स. सभी स्टेट्स में कांग्रेस ही विनिंग थी एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ प्रेजेंट केरला विच वॉज त्रावणकोर एंड कोचीन एट दैट टाइम, मद्रास एंड उड़ीसा. इन तीन स्टेट्स में कांग्रेस मेजॉरिटी से नहीं जीती. लेजिस्लेटिव असेंबली में उसे जीत नहीं प्राप्त हुई, जबकि बाकी सभी स्टेट्स में कांग्रेस वॉन विद द मेजॉरिटी. फाइनली इन दीज स्टेट्स कांग्रेस फॉर्म द गवर्नमेंट्स. जिनमें वो जीती, इन तीनों स्टेट्स को छोड़कर वहाँ पर कांग्रेस पार्टी बनी. एंड इन द सेकेंड एंड द थर्ड जनरल इलेक्शंस विच वर हेल्ड इन 1957 एंड 1962, कांग्रेस मेंटेन द सेम पोजिशन by winning 3/4 of the seats. तीन चौथाई सीट्स पर कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के पर कामयाब हुई. 3/4 सीट्स को वो जीतने में भी कामयाब हुई. Now why this Congress dominance was there in the first three general elections? Then we have to see that in the state assembly elections, Congress did not get a majority in few of the states. लेकिन कुछ सीट्स में, कुछ जगहों पर कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं बनी, जबकि बाकी सभी
इलेक्शंस में, सभी स्टेट्स असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस डोमिनेटिंग गवर्नमेंट बनी। केरला में सिर्फ जो एक्सेप्शन है, कम्युनिस्ट पार्टी ने 60 सीट्स आउट ऑफ 126 सीट्स इन 1957 केरला में कम्युनिस्ट पार्टी जीती एंड इट हैड गॉट द सपोर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ऑल्सो। ई एम एस नंबूतरी पाद की लीडरशिप में मिनिस्ट्री बनाई गई एंड दिस वॉज द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन होल ऑफ द वर्ल्ड। बाकी जगहों पर भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई गई थी इससे पहले, लेकिन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, वो पहली 1957 में ही केरला में बनाई गई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। इन 1959 कांग्रेस गवर्नमेंट ने केरला की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया। और ये जैसे कि तीन एमरजेंसीज होती हैं, आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, 352 धारा के अधीन नेशनल एमरजेंसी अनाउंस की जाती है, 356 धारा के अधीन स्टेट एमरजेंसी अनाउंस की जाती है। लेकिन अगर देखा जाए, गवर्नर ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट को दे दे कि स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो रही है, तो या प्रेसिडेंट को खुद ही रियलाइज़ हो जाए कि स्टेट एमरजेंसी, स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कामकाज नहीं चल रहा, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एकदम ठप है, तो ऐसी सिचुएशन में प्रेसिडेंट स्टेट एमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। द थर्ड वन इज 360 एमरजेंसी। अंडर दिस आर्टिकल ऑफ 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज द अनाउंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल एमरजेंसी टुवर्ड्स विच इंडिया इज गोइंग टुवर्ड्स दिस फाइनेंशियल एमरजेंसी नाउअडेज। एंड इन 1959 व्हाट हैपेंड इन केरला, कांग्रेस गवर्नमेंट जो सेंटर में थी, उसने कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, क्योंकि वो अपोजिशन पार्टी थी वहाँ पर केरला में, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया अंडर द आर्टिकल 356। और ये डिसीजन बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल माना जाता है एंड दिस वॉज सीन एज द बिकॉज इन दैट स्टेट व्हाट हैपेंड दैट स्टेट एडुकेशनल बिल वॉज स्टार्टेड, इट वॉज प्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड इसके अगेंस्ट में मूवमेंट स्टार्ट हो गई, लोगों ने इसका अपोजिशन करनी स्टार्ट कर दी। और इस अपोजिशन को, जो मूवमेंट स्टेट एडुकेशन बिल के अगेंस्ट चलाई गई थी, कांग्रेस ने उसको हवा दी एंड इन दैट सिचुएशन देर वॉज नो लॉ एंड ऑर्डर एंड दैट इज़ वाई द स्टेट एमरजेंसी वॉज अनाउंस्ड बाई द प्रेजिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर। सो लेट अस सी वन ऑफ द मैप विच इज़ देयर विच इज़ ऑल्सो गिवन, बट दीज पॉइंट्स वी हैव डिस्कस्ड इन द सेकेंड चैप्टर, बट नाउ द सिलेबस इज लिटिल बिट चेंज, दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू रिवाइज दिस विद यू। देखो, अगर आप ये मैप देखें तो यहाँ पर तीनों जनरल इलेक्शंस में 1952, 57 and 62, इन तीनों इलेक्शंस में कांग्रेस की डोमिनेशन थी, कांग्रेस बिल्कुल मेजॉरिटी से जीत जाती है, 364 सीट्स इन 1952 इलेक्शंस, 371 सीट्स इन 1957 इलेक्शंस एंड 361 सीट्स इन 1962 इलेक्शंस ऑफ जनरल इलेक्शंस। जो सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा है, ये आईएनडी है, आईएनडी स्टैंड्स फॉर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। एंड द नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज सीपीआई, दैट इज 16 सीट्स, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इन स्लाइड नंबर 3, दैट 60 सीट्स दे हैव मेड एंड कम्युनिस्ट पार्टी ने 16 सीट्स सिर्फ जीती थी, जो कि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी मानी जाती, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के रूप में उभर कर आई। तो नेचर ऑफ कांग्रेस डोमिनेंस जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है एज टू द होल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि जो बाकी देशों में कांग्रेस डोमिनेंस का नेचर था, दैट वाज नॉन डेमोक्रेटिक, जहाँ पर डिक्टेटरशिप थी या मिलिट्री रूल थी, उन देशों में ही वन पार्टी सिस्टम था। लेकिन इंडिया में कांग्रेस डोमिनेंस में ऑपोजिशन को भी क्रिटिसिज्म करने का पूरा मौका मिला एंड ऑपोजिशन यूज्ड टू एग्जिस्ट
But in all other states where dominance of one party was there, no other party was allowed to exist. No other party was allowed to contest the elections. The Congress of one dominance, one party dominance, is quite different from a one party dominance elsewhere in the world. जैसे कि आप चाइना, क्यूबा में देख लें, फिडेल कैस्ट्रो था, सीरिया में बाथ पार्टी का डोमिनेंस था, तो उस सिचुएशन में बाकी सभी स्टेट्स में दूसरी पार्टीज को एग्जिस्ट करने ही नहीं दिया जाता था. कुछ अलग स्टेट्स है जैसे म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, एरिशिया, दे वर हैविंग वन पार्टी स्टेट्स, but there was military reasons, legal reasons were there. And moreover, agar class 9th ki baat kare, 9th mein aapne Mexico ki institutional revolutionary party ke bare mein padha hai, jisko hum PRI ke naam se jante hain, aur isne 6 decades tak Mexico mein rule kiya, lekin is period mein the most of the times undemocratic means were used by this party to win the elections. And elections were not free and fair. वहाँ पर total government machinery को use किया जाता था PRI party के support में, और side by side government के द्वारा government teachers, government influence, government officials को उनके influence को use किया जाता था. और कई बार अगर माना जाता, अगर ये आशंका हो जाती थी कि कोई और party जीत जाएगी, तो फिर उस पोलिंग बूथ को भी कैंसिल कर दिया जाता था. तो इन कंट्रास्ट अगर देखें तो कांग्रेस में जो डोमिनेशन, इंडिया में कांग्रेस की डोमिनेशन थी, दैट वाज ड्यू टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. इन कंट्रास्ट टू ऑल अबव कंट्रीज, कांग्रेस एक्सरसाइज्ड द डोमिनेंस दैट वाज यूनिक इन नेचर एंड अंडर द, दिस इज अंडर वर्ल्ड, अंडर द डेमोक्रेटिक कंडीशंस. डेमोक्रेटिकली, डेमोक्रेटिक कंडीशंस के कारण ही यहाँ पर सभी फ्री और फेयर इलेक्शंस थे. डेमोक्रेसी के अंडर ही कांग्रेस की डोमिनेशन स्थापित की गई थी. नाउ द मेन क्वेश्चन कम्स इन अंडर दिस कांग्रेस डोमिनेशन, कांग्रेस सिस्टम में आता है, व्हाट वर द मेन कॉजेस व्हाई दिस कांग्रेस डोमिनेशन वाज देयर. द फर्स्ट रीजन इज दैट इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट. National movement that was led by Congress party. Gandhi ji led the nation. Nehru, Patel, Maulana Abul Kalam Azad, all these leaders belong to Congress party. And whenever they used to talk to the people, they only express their views that what kind of India they want to. So people have faith in the Congress party, and that is why national movement. So जैसे जो inheritance मिली, पॉलिटिकल लीडर्स ने कांग्रेस पार्टी को लीड किया, तो इस सिचुएशन में कांग्रेस पार्टी एक डोमिनेटिंग पार्टी के रूप में इंडिया में उभर कर सामने आई. द नेक्स्ट रीजन इज प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉपर पॉपुलैरिटी. प्रोविंशियल समितीज थी, स्टेट समितीज थी, इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे, वर्किंग कमिटीज थी कांग्रेस के अंडर. एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम था हर एक लेवल पर, प्रोविंसेस पर, स्टेट्स पर. हाँ, वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम था जिसके कारण सारे की सारी जो प्रोपेगेंडा था कांग्रेस पार्टी का, वो इजीली मैनेज हो पा रहा था, जबकि बाकी पार्टीज इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं थी. एंड द पीपल, द पॉलिटिकल लीडर्स, द इलेक्टेड प्रेसिडेंट्स ऑफ द वर्किंग कमिटीज, दे वर्क इन द मिडल ऑफ द पीपल. वो लोगों के आम बीच, लोगों में के बीच में रहकर ही काम करते थे. दे वर हैविंग क्लोज रिलेशंस विद द कॉमन पीपल एंड एट द ग्रास रूट लेवल. फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल द कांग्रेस हैज़ इट्स ऑर्गेनाइजेशन इन अ वेल मैनर्ड वे. सो इस कारण भी कांग्रेस की डोमिनेंस हमें देखने को मिलती है. एंड देयर वाज थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ कन्फ्लिक्ट्स एंड फैक्शंस. ये ऐसा नहीं कि किसी तरह का क्रिटिसिज्म नहीं था, जितने भी क्रिटिसिज्म होते थे दैट वाज विद इन द पार्टी ओनली. सोशलिस्ट पार्टी वाज फॉर्म्ड विद इन द कांग्रेस ओनली, बट क्रिटिसिज्म को कोई अपोज करके, कोई गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल किसी भी तरह से नहीं किया जाता था.
जितने भी कन्फ्लिक्ट थे, फैक्शंस थे, उनको टॉलरेट किया जाता था. टॉलरेंस लेवल वॉज क्वाइट हाई एंड द लीडर्स यूज टू डिस्कस द मैटर इन बिटवीन द पार्टी इट्सेल्फ. सोशल कॉलिशन ऑफ ऑल कास्ट क्लासेस एंड रिलीजियस ग्रुप्स. ऑल इंडिया पार्टी थी जिसमें सभी कास्ट रिलीजियस ग्रुप्स और क्लासेस को रिप्रेजेंटेशन मिली थी. ईच क्लास ईच कास्ट एंड रिलीजियस ग्रुप वॉज हैप्पी विद द कांग्रेस पार्टी क्योंकि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिली थी. हर भिन्न भिन्न रंगों के आपको लीडर्स मिलते थे, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करने वाले, अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करने वाले, अलग अलग क्लासेस को बिलोंग करने वाले जो लीडर्स थे वो उनको रिप्रेजेंटेशन हमें कांग्रेस पार्टी में मिलती थी. एंड दैट इज़ वाई ऑल ग्रुप्स कास्ट एंड रिलीजियस वर क्वाइट सेटिस्फाइड विद द कांग्रेस पार्टी. एंड दैट इज़ वाई कांग्रेस डोमिनेंस पार्टी वॉज देयर फ्रॉम 1952 टू 1967. एंड दैट वॉज कॉलिशन ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज. यू नो दैट वेरियस आइडियोलॉजीज लाइक मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, वेरियस ideologies, they have got the place in the Congress party. So that is why various ideologies जो बाद में जाकर split हुई, काफ़ी सारी parties they have emerged from the Congress party itself. लेकिन वो सारी की सारी ideologies को अपने आप में समा कर रखने का काम Congress party ने किया और इसी कारण उसे बहुमत भी मिला. एक major important reason था first past the post system. जैसे आपने प्लस वन में भी किया है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन लोकसभा और विधानसभा में FPTP सिस्टम को फॉलो किया जाता था और मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स जिस पार्टी को मिलते थे फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंडर, कि सबसे ज़्यादा वोट्स जिस पार्टी को मिल गए वही विजयी घोषित होगी. इट वॉज नॉट द मेजॉरिटी. मेजॉरिटी होती है 50% वोट्स, 50 नंबर्स. लेकिन मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, अगर 100 सीट्स है उसमें 30 सीट्स कांग्रेस ले जाती है, 20 20 20, ये तीनों सीट्स CPI और बाकी पार्टीज ले जाती हैं और एक सीट इंडिपेंडेंट सीट्स की तरफ जाती है, तो आप देखते हैं कि 30% वाली कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी सीट्स लेने में कामयाब हो जाती है बिकॉज इट हैज वॉन द 30% ऑफ पॉपुलर वोट्स. पॉपुलर वोट्स वो ले लेती है. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स लेने के लिए के कारण ही FPTP सिस्टम के अंडर, जिसमें 30% वोट्स वाली कांग्रेस पार्टी विजयी घोषित हो जाती है और इसी कारण वो 3/4 सीट्स, 30% वोट्स लेकर 3/4 सीट लेने में कामयाब हो जाती है. जबकि ऑपोजिशन, जिसका मेन कारण था कि ऑपोजिशन था, दैट वॉज टोटली डिवाइडेड, 20% 20% एंड 20% वोट्स, अगर ये सभी इकट्ठे होकर जीतते तो 70% वोट्स उनके पास होती. लेकिन ऑपोजिशन डिवाइडेड थी, इस कारण भी FPTP के अंडर जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलती थी, बेशक 30% हो, 35% हो, 40% हो या 45% हो, वह पार्टी विजयी घोषित की जाती थी. एंड दैट इज़ वाई मेजॉरिटी नहीं थी कांग्रेस के पास, बट इट वॉज एबल टू विन द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट्स एंड द सीट्स. एंड दैट इज वाई अंडर FPTP सिस्टम का बहुत बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस की डोमिनेंस में. सो दिस वॉज द लास्ट पॉइंट ऑन कांग्रेस सिस्टम में आपने ये सारे के सारे पॉइंट्स डिस्कस करने हैं. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. स्टे एट योर हाउसेज एंड स्टे सेफ.